भोजपुरी फिल्मों से जुड़ी चटपटी और मसालेदार खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल भोजपुरी फिल्मी तड़का को अभी सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़ी किसी भी वीडियोस को मिस ना करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। रजनीकांत और अक्षय की 2.0 को टक्कर देने बॉक्स ऑफिस पर उतरी खेसारी लाल की ये फिल्म। पिछले हफ्ते गुरुवार को रजनीकांत और अक्षय की 2.0 रिलीज हुई, जिसने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार एंट्री की और जबरदस्त कमाई का सिलसिला अभी भी कायम है। लेकिन अब 2.0 को टक्कर देने के लिए भोजपुरी सिनेमा की दबंग सरकार ने एंट्री ले ली है, जिसमें खेसारी लाल मुख्य भूमिका में है। खेसारी लाल की फिल्म दबंग सरकार दर्शकों को काफी पसंद आ रही है, खास तौर से बिहार और झारखंड में रिलीज के बाद फिल्म हाउसफुल जा रही है। अगर इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने शुरुआती दिनों में ही लगभग 20 लाख का बिजनेस कर लिया है। ये आंकड़ा इसलिए खास है क्योंकि जहां एक तरफ 2.0 ने पूरे भारत में रिलीज के बाद 97.25 करोड़ की कमाई की है, तो वहीं खेसारी लाल की दबंग सरकार ने केवल 2 राज्यों में 20 लाख से ज्यादा की कमाई कर ली है। दरअसल जिस तरह से साउथ में रजनीकांत की अहमियत है, ठीक उसी तरह भोजपुरी फिल्मों के खेसारी लाल का अपना अलग रुतबा है। अभी हाल ही में उनके फिल्म दबंग सरकार का एक गाना रिलीज किया गया था, जिसे 6 दिन के भीतर 22 लाख से ज्यादा बार देखा गया। भोजपुरी फिल्मों के हर एक अपडेट्स जानने के लिए स्टे कनेक्टेड विद भोजपुरी फिल्मी तड़का।